एसटीएफ लखनऊ ने मंगलवार की सुबह 1.25 लाख के इनामी गुफरान का एनकाउंटर में मार गिराया। तलाशी के दौरान एसटीएफ को मारे गए अभियुक्त के पास से एक पिस्टल और एक कार्बाइन समेत कई कारतूस बरामद हुए थे। लखनऊ एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को सोमवार की आधी रात को सूचना मिली कि गुफरान अपने एक साथी के साथ बाइक से कौशाम्बी में किसी बड़ी घटना अंजाम देने के लिए निकला है। सूचना मिलते ही एसटीएफ सक्रिय हो गई। मंझनपुर कोतवाली के समदा स्थित चीनी मिल के पास बाइक सवार गुफरान व उसके साथी को एसटीएफ ने ससुर खदरी नदी किनारे घेर लिया। इस पर गुफरान ने टीम पर फायरिंग की, जवाब में एसटीएफ ने भी गोली चलाई जिसमें गुफरान घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले जाया गया जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत है और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराधी गुफरान के खिलाफ लूट हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2022 में गुफरान ने सुल्तानपुर में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप में लूट की घटना अंजाम दी थी। गोली लगने से एक कर्मी भी घायल हुआ था। इसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं प्रतापगढ़ के चर्चित तनवीर हत्याकांड और तांत्रिक हत्याकांड में भी गुफरान फरार चल रहा था। इन मुकदमों के अलावा गुफरान पर प्रतापगढ़ में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के आईजी ने आरोपित की गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम रखा था। एनकाउंटर की खबर पाकर एएसपी समर बहादुर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और मोटरसाइकिल के साथ 10 जिंदा एवं 7 खोखा कारतूस बरामद किया। एसटीएफ लखनऊ के पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही ने बताया कि गुफरान पर 1.25 लाख का इनाम था। पुलिस को उसकी काफी दिनों से तलाश थी। गुफरान के फरार साथी की तलाश की जा रही है। दस कदम पे 11 कदम पे